और इस वक्त आपको बता दें कि केएमसी चुनाव का काउंटडाउन शुरू होते ही सभी कैंडिडेट्स अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी संबंध में आज महानगर के 54 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी अमीरुद्दीन बॉबी के समर्थन में एक कर्मी सभा बुलाई गई, जिसमें वार्ड के 1000 से ज़्यादा पार्टी वर्कर्स शामिल हुए। सबों ने एक सुर में कहा कि अमीरुद्दीन बॉबी जैसा काम करने वाला काउंसलर पिछले 11 सालों से हमें मिला है, इसलिए हमें चाहिए कि एक बार फिर से इन्हें रिकॉर्ड मार्जिन से विजयी बनाएं। जोश खरोश नहीं था, इसलिए जोश खरोश डालने के लिए मीटिंग किया। अब ऐसा लग रहा है कि वर्कर इतना उमज पड़े, हमको लग रहा है कि अब डर लगने लगा है कि कितना मार्जिन बढ़ेगा, हमको परेशानी हो गई है। और इसीलिए हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने का ऐलान कर दिया है। 22 तारीख के बाद जो पार्ट 41 पार्ट है, उस पार्ट में जो 101 से 3 में नंबर में रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये बताएं कि पिछले साल 2015 में जो आपका लीड था, मार्जिन था, उसको क्या इस बार उसको तोड़ने का इरादा आपका? देखिए, ये तो पब्लिक पर है और वर्कर पर है। वर्कर किस तरह से पब्लिक को कन्वेंस कर सकती है, पब्लिक को किस तरह से लुझा कर वोट ले डाल सकती है, अब उस पर है। मुझे उम्मीद पूरा है 21,601 वोट से मैं 2015 में लीड हुआ था, इंशाल्लाह उसको क्रॉस जरूर होगा। बहुत सारा वार्ड में टीएमसी में ग्रुपबाजी देखा जा रहा है, आपके वार्ड में एकाई दिखता है, क्या कारण है? देखिए, मेरे वार्ड में भी बहुत ग्रुप है, मगर एक ही ग्रुप है, वो ममता बनर्जी का, अमीरुद्दीन बॉबी का। अपने वर्करों से क्या बोलेंगे? मेरे वर्कर को कुछ बोलना नहीं है, जो 365 दिन काम करता है जो वर्कर, उसको क्या बोलना है, उसको क्या सिखाना, उसको क्या पढ़ाना, सिर्फ यहाँ गेट टुगेदर करने के लिए हम लोग हुए हैं। 19 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन में डोर टू डोर करना है, पब्लिक के पास जाना है, पब्लिक को कन्वेंस करना है, पब्लिक को निकाल के वोट करवाना है और ममता बनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर 2021 में उसका रिकॉर्ड ब्रेक करके ये 54 नंबर वार्ड आगे बढ़ेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन आपके जो एंटी पार्टी है, किसी का नामों निशान नहीं दिख रहा पूरे वार्ड में। देखिए, नामों निशान खाली मेरे वार्ड में नहीं है, ये पूरे कलकत्ता का ये हालात है। किसी जगह में कैंडिडेट नहीं मिला, वर्कर को दिया जा रहा, कोई नेता नहीं है, उसको वोट दे जबरदस्ती टिकट दिया जा रहा है, ये हालात है अपोजिशन का। तो अपोजिशन में जो लोग हैं वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किस तरह से काम करेंगे, पार्ट में बैठाने वाला आदमी नहीं है। इलेक्शन के बाद ये मुद्दा आएगा कि हमारे लोगों को पार्ट में बैठने नहीं दिया गया। किससे आपका मुकाबला है इस बार? इससे पब्लिक, देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है, पब्लिक उनसे मुकाबला क्या करेंगे। ममता बनर्जी ने उनको 2021 में जिस तरह से जीरो में लाया है, वो जीरो ही रहेगा। सर, ये बताएं, स्वास्थ्य साथी कार्ड, द्वारे सरकार, ये क्या आप लोग के लिए बहुत यूजफुल साबित होने जा रहे हैं इस बार? देखिए, ये ममता बनर्जी की कोशिश थी पब्लिक को सर्विस देने का। ये 5 लाख रुपये का क्या बोलते हैं उसको, स्वास्थ्य साथी का ये लिमिट है और बहुत जगह में इसका काम हो रहा है, बहुत जगह में इसका फ़ायदा भी पहुंच रहा है। सूरत हाल जी, ये आवाम से पूछिए आप कितनी तरक्की किया है हर काम जगह पे, रोड का हो, पानी का हो, 5-5 स्कूल। बॉबी भाई की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बस ये इलाका के अंदर में हर चीज़ का काम है, हर जगह सहूलत ही सहूलत है, क्या समझे किसी। और इससे पहले जो हुकूमत थी, जो दौर गुजरा, वो हुकूमत सिर्फ क्या किया उन लोगों ने, सिर्फ यहाँ पर हुकूमत करने के बाद में आज के जवान बच्चों को ठंडा डंडा पकड़ा दिया, अब ये चंदा करने का डब्बा पकड़ा दिया। अब मोहल्ला में किसी किस्म में कोई काम नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हम लोग उसी से साथ में थे, हम लोगों के साथ छोड़ करके बॉबी भाई के साथ 10 साल से हैं और उम्मीद है कि जब तक बॉबी रहेंगे तब तक इनका साथ हम लोग देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे हम लोग, इनके काम की वजह से, इनकी अच्छाई की वजह से, इनकी वजह से। अमीरुद्दीन बॉबी के आने के बाद वार्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ? बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, सबसे पहले तो एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, इससे बड़ा अच्छा डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता है। तो 365 दिन जब भी उनके पास जाते वो अवेलेबल रहते? ऑलवेज अवेलेबल बाय फोन, बाय पर्सनली, ऑलवेज अवेलेबल। कोई भी काम के लिए आप लोग गए तो काम हुआ? हमेशा हुआ है।